तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम राजनीति में एक राजनेता की पैर की चोट डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके काम डिस्कस करने चाहिए जो जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। और हालांकि सब जगह हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, चाहे वो नाइजीरिया से शुरू होता हो, चाहे वो अमेरिका में होता हो। अभी तो कॉल सेंटर आपने देखा जयपुर में, प्रॉपर कॉल सेंटर मिला, लेकिन इन राजनीतिक बेरोजगारों को तो हिंदू मुस्लिम बनाना है, क्योंकि जनता के सामने काम की बात तो ये कर नहीं सकते। तो उसमें कटवा भी कहेंगे, मुल्ला भी कहेंगे, लेकिन साहब चले कोई बात नहीं, जनता सब देखती है। जनता से ये अपील करूंगा कि भाई आपको नारे लगाने वाले लोग चाहिए क्या? आप अपने बच्चों को इनकी कतार में नारे लगाते हुए देखना चाहते हैं, या कॉलेज खोलने वाले लोग चाहिए, या अस्पताल खोलने वाले लोग चाहिए, या नगर के अंदर जो है सीवरेज लाइन हमारी भरतपुर के बाद अगर कहीं सीवरेज लाइन डली तो हमारी नगर कस्बे में डल रही है। एक्सरे ऑफिस वहाँ खुला, एडीजे कोर्ट वहाँ खुला, जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल वहाँ बन रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश फौजदार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आज मैदान में उतर चुकी हैं। दावा, सत्ता हम बनाएंगे, सत्ता हम बनाएंगे। भरतपुर जिले की नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं वाजिब अली। वो विधायक हैं जो बीएसपी की टिकट पर जीते थे, कांग्रेस शामिल हो गए और सरकार में पूरा टेन्योर इन्होंने किया, और जो चीज़ जो मुद्दे जिस तरह से इनके क्षेत्र के होते हैं बेबाकी तरीके से वो उनको उठाते हैं, अपनी सरकार के समक्ष रखते हैं, जिससे उनका समस्याओं का समाधान हो सके। वाजिब जी से आज बातचीत करेंगे खास। वाजिब जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि राजेंद्र गुड़ा की जो लाल डायरी चल रही है वो एक पट कथा है, कहते हैं कांग्रेस के जो काले चिट्ठे हैं उनको उजागर करने का तरीका है, चूँकि इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? पहले तो बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने राजस्थान तक के माध्यम से हमें जनता से जुड़ने का मौका दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखो, राजेंद्र गुड़ा जी हमारे अच्छे मित्र हैं, हम लोग एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए, हमारा सबका उद्देश्य ये था कि सरकार मजबूती तरीके से अच्छा चले और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में अच्छे काम हों, और अच्छे काम हुए भी। ये लाल डायरी की जिक्र कभी हमने आपस में कभी नहीं किया, ना कभी ऐसा कोई मौका आया। जितना आपने देखा उतना ही हमने देखा। तो मैं तो ये कहूँगा कि साहब, मैं तो इस बारे में बिल्कुल अनजान हूँ कि ये क्या था, क्या कहानी थी, कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, और जो भी कोई होगा तो जनता के सामने आ ही जाएगी चीज़ें धीरे धीरे। एक वाजिब जी, सीएम अशोक गहलोत के पैर में अंगूठों में फ्रैक्चर है, उसको लेकर बीजेपी द्वारा कई बार सवाल निशान उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों पैरों में एक साथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो तो परिस्थिति तब होती है जब कोई पिटाई करे, लेकिन सीएम है ऐसा कर भी नहीं सकता। उनको एक कमेटी बैठानी चाहिए, डॉक्टर की जाँच करनी चाहिए और बतानी चाहिए, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। देखिए, मैं खुद उनसे मिला हूँ और वाकई जब मैंने देखा तो दोनों पैरों में बहुत सूजन भी थी, क्योंकि अंगूठा नज़र आता है वहाँ से। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम राजनीति में एक राजनेता की पैर की चोट डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके काम डिस्कस करने चाहिए जो जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है वो कितने बेहतरीन तरीके से निभा पा रहे हैं, हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बातें इरिलेवेंट हैं और बीजेपी के साथियों के पास कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं है कि जो जनता के सामने वो लेके जाएं। तो इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी की जो साथी हैं उन्हें आज जो प्रदेश में जो हालात हैं, कहीं कमी भी हो सकती है, हम ये नहीं मानते कि हम लोग कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, कमी भी हो सकती है, हम उन पर चर्चाएँ करें, पॉजिटिव सुझाव भी दें, तब जाके कहीं हम जनता के प्रति अपना जो दायित्व है वो पूरा कर पाएंगे। ये वाजिब जी, आए दिन जिस तरह से समाचार आते हैं, घटनाएं होती हैं दुष्कर्म की होती हैं, भीड़भाड़ा में आपने देखा एक नावारी लड़की को रेप के बाद जला दिया गया, इस तरह के जो कांड हो रहे हैं आए दिन, महिला अत्याचार और रेप हो रहे हैं, इन लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव में माहौल खराब होगा सरकार? देखिए, जिस तरह की भीलवाड़ा की घटना थी वो बहुत हीनियस क्राइम था, जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर आप कह सकते हो ना, उस तरह की वो घटना थी, और जितना भी निंदा करी जाए उसकी बहुत कम है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सरकार का फेलियर है, ये सबसे बड़ा हमारे समाज का फेलियर है। वो घटना करने वाले हमारे समाज के ही लोग थे, वो किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, तो कहीं ना कहीं हमें जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। सरकार के हाथ में होता है कि अगर ऐसी कोई घटना की सूचना प्राप्त हो तो फिर तुरंत कार्रवाई करे, और जितनी भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस को कि उन्होंने बिना कुछ ढील बरते हुए कड़े से कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं, ये सब जगह इस तरह के होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है हमारा। लेकिन मैं मानूँ कि जो आंकड़े जो कहते हैं वो सत्य नहीं है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी सीरियस रेप केस नहीं हुआ, जो जेन्युइन रेप केस आप कहते हैं, पर मुकदमे 100 दर्ज हो पड़े हैं। आप सारे गांव में जाके देखिए, आप पूछिए किसी 5 आदमी इकट्ठे करके कि क्या किसी की हिम्मत है कि जबरदस्ती किसी बेटी के साथ कर दे,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो केसेस दर्ज हो जाते हैं अन्य कारणों की वजह से, इसीलिए वो केस बंद भी हो जाते हैं। और ऐसे केसेस जब होते हैं तो निश्चित तौर पे पूरी मानवता को शर्मसार होना पड़ता है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो और कोई घटनाएं हो। ये हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बाद में, पहले हम इंसान खुद की जिम्मेदारी, मैं ये मानता हूँ। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जाहिर सी बात है, कोई जनता के मुद्दे तो है नहीं, मतलब जो काम जो किए हैं, और ये घटनाएं जो हैं इन पे जितने जल्दी हमने इस सरकार में एक्शन होते देखा है, पहले नहीं देखा। तो निश्चित तौर पे विपक्ष का काम है कमियों को गिनाना, और ये घटनाएं हुई हैं ये सत्य है, हमारे प्रदेश में हुई हैं ये भी सत्य है, और सरकार जिम्मेदारी लेती है और सरकार इन पे एक्शन लेगी। वजीब जी, जो बीएसपी के जीत करके आए थे, सरकार को बचाया, बचाने का काम जिस तरह से आप लोगों ने किया, राजेंद्र गोड़ा हों, जोगिन सिंघवाना हों, ज़्यादातर लोगों को एक एक मुकाम मिला, पोर्टफोलियो मिला, मिनिस्ट्री मिली, किसी भी रूप में मिली, लेकिन बताया जा रहा था कि आपको नहीं मिली। कई बार ये भी सुनने में आ रहा था कि आपने मांगा ही नहीं था, आप चाहते नहीं थे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, कई बार कहते थे कि दिया नहीं गया, सच्चाई क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम सब लोग साथी जो जीत कर आए बीएसपी से, हमने सरकार का साथ दिया, और हम सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक काम भी किए। हम सब की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतर है बाकी विधायकों से। तो निश्चित तौर पर सरकार ने सबको कुछ जिम्मेदारी दी है। हमें भी स्टेट फूड कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, विच इज़ ए जुडिशरी अवीन पोस्ट जो होती है। तो जिम्मेदारी सबको दी गई है उनके अनुभव के हिसाब से, उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, उनकी जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को। ये करीब 3 से 5 साल तक का टेनर होता है इसका, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब जो ये जिम्मेदारी मिली है इसको भी बेहतर निभाया जाए। तो ऐसा जो मेवात इलाका है वो हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ इंडिया के कई प्रदेशों में करीब 14-15 स्टेट हैं जहाँ की पुलिस जनरली यहाँ रहती है, टट्टूबाजी, ऑनलाइन फ्रॉड या इस तरह की जो वारदातें हैं। क्या लगता है हमारा जो मेवात इलाका है वो इन चीज़ों में बदनाम है, किस तरह से रुक पाएगा? देखिए, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सुरेश जी। ये हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको नकारा नहीं जा सकता। इस तरह के केसेस सामने आते हैं, आए दिन आते हैं। एक ये टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक है, और हालांकि ये सब जगह हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, चाहे वो नाइजीरिया से शुरू होता हो, चाहे वो अमेरिका में होता हो। अभी तो एक कॉल सेंटर आपने देखा होगा, जयपुर में प्रॉपर एक कॉल सेंटर मिला। तो ये एक टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक है जिसको लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस का काम चल रहा है। तत्कालीन एसपी साहब ने करीब 35 से 40 हज़ार सिम कार्ड्स को बंद किया। तो हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको रोका जाए, और साइबर थाना यहाँ पर खुला है, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और इस काम में करने वाले सभी जाति के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि साहब कोई स्पेशल कम्युनिटी से बात करती है, ये पूरे रीजन में ये चीज़ें फैलती हैं। जब फैलती हैं तो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, और पुलिस भी अपना काम कर रही है। जितनी भी पुलिस कोई केसेस को लेकर बाहर से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये केसेस लोकल रजिस्टर नहीं होते, ये केसेस इसका एक फल फूलने का तरीका शायद एक मौका इनको ये भी मिला, ये केसेस लोकल रजिस्टर नहीं होते हैं अक्सर। ये जो ऑनलाइन जो हमारे यहाँ लोकल लोग ऑनलाइन ज़्यादा इस्तेमाल करते भी नहीं, चलन जो है खरीदारी का, तो बाहर के लोगों से दर्ज होते हैं केसेस, बहुत कम केसेस आ पाते हैं। तो जब भी किस तरह केस आते हैं, हमारे यहाँ की पुलिस, सब एसपी साहब, सब लोग बहुत ही क्लियर हैं, उनका पूरा सपोर्ट किया जाता है और अपराधियों को पकड़ के उनके लिए दिया जाता है। मतलब ये बात कितनी सच्चाई है कि इस तरह की एक आरोप भी आप लोगों पे जाते लगते हैं, आप है प्लस आपके और भी साथी विधायक हैं, कि सत्ता का जो दुरुपयोग है, स्थानीय प्रशासन है प्लस उसका दुरुपयोग आपके द्वारा किया जाता है, ये भी आरोप आप? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आप हमें एग्जाम्पल बताइए कि सत्ता ने कहाँ दुरुपयोग किया, सत्ता ने किस में कमी डाली। लेकिन अगर पूर्व विधायक ने अतिक्रमण कर रखा है सरकारी ज़मीन पर, अगर उसको खाली कराना दुरुपयोग है, उनको ऐसा लगता है, तो दुरुपयोग हो सकता है। अगर जो है अस्पताल बनवाना दुरुपयोग है, तो भाई ये दुरुपयोग हो सकता है। हमने तहसीलें खोली हैं, 4-4 तहसीलें खुल गई साहब चारों तरफ, जो है अस्पतालें खुल रहे हैं चारों तरफ, जो है रोड कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है। अगर उन्हें लगता है ये दुरुपयोग है, तो हमने इसका दबा के दुरुपयोग किया, क्योंकि वो लोग सोते रहे जब गुड़गावा कैनाल का पानी, या जब ERCP का प्लान बन रहा था, जब सत्ता के बीजेपी की थी, वसुंधरा जी प्लान बनवा रही थी, तो हमारी विधायक सो रही थी। तो ये बीजेपी के लोग जब ये सत्ता में थे, तो इन्होंने जनता के लिए कौन सा काम किया? आज चारों तरफ अस्पताल खुल रहे हैं, कोर्ट खुल रहे हैं, थाने खुल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो हर दिशा में काम हुआ है और ऐतिहासिक काम हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर इनकी परिभाषा ये है, तो मैंने तो इन दुरुपयोग की किताब छाप रखी है। आप इन किताब पढ़िए और इनकी इनसे कहिए कि इसके बराबर में 2-4 लाइनें तो लिखे कम से कम अपनी, कि इन्होंने 10 साल में क्या किया।
अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी रणनीति क्या है, किस पार्टी से, कांग्रेस से जाहिर आप चुनाव लड़ेंगे? 2018 चुनाव में कांग्रेस शायद चौथे स्थान पर भी रही थी, बीजेपी बहुत पिछड़ी थी, तो अब आपकी क्या प्लान है? देखिए सूरज जी, हमारे यहाँ पे नगर में हमें 4.5 साल में काम करने का मौका मिला और हमने चारों कोनों में नगर में, चाहे वो जालुकी हो, चाहे खो हो, जनूतर हो, सीकरी हो, नगर हो, चारों तरफ विकास के काम हुए और हम सिर्फ यही एक एजेंडा के तहत चुनाव में जाएंगे। जनता ने हमें विकास के लिए चुना है और जनता से अपील करेंगे कि आपको नारे लगाने वाले लोग चाहिए। जैसे आप जाने 4 दिन पहले देखा, सारे बीजेपी के बेरोजगार का राजनेता, ये एक शब्द कहीं मैंने सुना, ये राजनीतिक बेरोजगार लोग हैं, अपने रोजगार तलाशने के लिए नगर बाजार में से रैली निकाल रहे थे, और कटवा और मुल्ला, यही इनके पास, यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कब निकाली, किसने? उसमें हमारे सारे बीजेपी के टिकट मांगने वाले, हरिदास सिंह जी भी थे, नेम सिंह जी भी थे, और कौन, नेम सिंह थे, और इस तरह के सोचो, क्योंकि एक घटना हुई, एक आदमी की मौत हुई, उसके परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया और कहते हैं साहब मुकदमा दर्ज करने में एमएलए की गुंडा कर दी, जिसके कोई बेटा गुजरा है तो वो मुकदमा दर्ज कराएगा, उसकी जाँच भी होगी। हमने साफ तौर पर कहा कि साहब किसी का कोई नाम नहीं लेगा, पुलिस अपनी जाँच करने दीजिए, लेकिन इन राजनीतिक बेरोजगारों को तो हिंदू मुस्लिम बनाना है, क्योंकि जनता के सामने काम की बात तो ये कर नहीं सकते। तो उसमें कटवा भी कहेंगे, मुल्ला भी कहेंगे, मैं साहब चले कोई बात नहीं, जनता सब देखती है। जनता ने इन्हें मौका दिया पहले भी, और मैं तो ये मानता हूँ कि जनता से ये अपील करूँगा कि भाई आपको नारे लगाने वाले लोग चाहिए, क्या आप अपने बच्चों को इनकी कतार में नारे लगाते हुए देखना चाहते हैं, या कॉलेज खोलने वाले लोग चाहिए, या अस्पताल खोलने वाले लोग चाहिए, या नगर के अंदर जो है सीवरेज लाइन हमारी, भरतपुर के बाद अगर कहीं सीवरेज लाइन डली तो हमारी नगर कस्बे में डल रही है, एक्सर ऑफिस वहाँ खुला, एडीजे कोर्ट वहाँ खुला, जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल वहाँ बन रहा है, तो जहाँ चारों कोनों में इतने काम हो रहे हैं तो जनता निर्णय लेगी इस बात का। क्या आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो अन्य पार्टियां हैं या कहीं से भी हिंदू मुस्लिम, गौ तस्करी, टटलूबाजी, ये मुद्दे भी लाए जाएंगे? बीजेपी के पास तो इनके अलावा कोई कहने की बात ही नहीं है। बीजेपी के लोग कभी काम की बात नहीं करते, कभी ये नहीं करते कि इन शहरों में आज ही बदलाव आया है तो क्यों आया है, नगर पालिकाएं बनी है, रोड निकले हैं, ये कभी किसी भी काम की बात नहीं करेंगे, इनको कोई काम नज़र नहीं आता, सिर्फ घूम फिर के ये 2-4 बातें हैं जो इनके वो पेट डायलॉग हैं जो है ना, उन्हीं में घूम के आएंगे। पर मैं मानता हूँ कि ये सारे अपराध भी पहले से कम हुए हैं, चाहे वो टटलूबाजी का हो, क्योंकि पहले तो ये लोग सोने की ईंट बिकवाते थे यहाँ पे बुला के लोगों को, और आप अभी देखिए चोरियाँ बहुत कम हो गई हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बंद हो गई, पर चीज़ों पर अंकुश लगा है, राइट। पहले पुलिस वाले जो है शाम होते ही नाके लगा के उगाई करने खड़े हो जाते थे, वहाँ बदलाव आया है, तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने डेवलपमेंट काम किया है, जिले का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर यहाँ बन रहा है ताकि लोगों को बिजली मिल सकेगी, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ बन रहा है ताकि रोजगार लोगों को मिल सके, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे 5 राज्यों में 1400 किलोमीटर में पहला कट है जो हमारी विधानसभा बन रहा है, स्पेशल राज्य सरकार अपने पैसे से बना रही है ताकि जनता को लाभ मिले, और ये सारे काम आम जनता के काम आने वाले लोग हैं। तो भाई देखो, ये तो आपको लेके जाएंगे वहीं पर हिंदू मुस्लिम पर, और हम जनता से कहते हैं आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, इन कामों को देखिए और आने वाला कल देखिए। बजबी असादुद्दीन ओवैसी भी लगातार राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं, दावा है कि 35 विधानसभा चुनाव सीटों पर वो चुनाव अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। मुझे लगता है भरतपुर में भी शायद मेवा तलाई चाहे कामा हो, नगरों, इन लोगों में उनके प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी एंट्री करती है, प्रत्याशी आते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए मैं ये मानता हूँ कि ना तो बीजेपी कोई हिंदू हितेशी पार्टी है और ना असद साहब कोई मुस्लिम हितेशी नेता है या उनकी पार्टी मुस्लिम हितेशी नेता है। जनता जब चुनाव में जाती है तो मैं खुद चुनाव में जब जाता हूँ तो मैं यही अपील करता हूँ कि आप काम को देख के वोट दें। अब ऐसे लोग बहुत आएंगे, अभी बीएसपी के सारे टिकट जो है बीजेपी बांट रही है, उन्होंने लिस्ट बना के दे दी सब जहाँ जहाँ, उनका तो नेता का बयान है ऑन रिकॉर्ड, हम तो कांग्रेस को हराएंगे। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो जिनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य जो है जीतना नहीं है, किसी को फ़ायदा नुकसान पहुंचाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, पर जनता बहुत जागरूक है, मैं ये मानता हूँ जनता सही निर्णय लेगी, और हमें जनता को ही जागरूक करना है, क्योंकि ये सवाल जनता के भविष्य का है, आने वाली नस्लों का है, बच्चों का है, उनकी शिक्षा का है, उनकी चिकित्सा का है। तो निश्चित तौर पर जनता से यही अपील रहेगी और यही मुद्दों पर हम जनता को लेकर आएंगे। अच्छा, एक ही पार्टी में होने के बावजूद भी कई बार बयान भी सामने आते हैं, जाहिदा खान से क्यों नहीं बनती आप? नहीं, मेरी उनसे कोई विरोध नहीं है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, सारे के मतभेद कुछ नहीं, हमारा कोई काम ही एक साथ नहीं है भाई, वो अपनी विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव, हम अपनी विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इस तरह की कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब उनके विधानसभा के क्षेत्र वाले उनके ज़्यादा बारे में बेहतर बता सकते हैं,
और हमारे विधानसभा के लोग हमारे बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक वाजिब जी, मेरा अंतिम सवाल है, नूह मेवात जो कांड हुआ उससे पहले जान जुनेद और नासिर की जिस तरह जलाकर हत्या हुई उसका प्रूफ भी हुआ, किस तरह से पकड़ा गया और फिर जलाकर हत्या की गई। 31 तारीख को नूह मेवात में वायलेंस होता है, हमारे भरतपुर मेवा पहाड़ी थाना इलाके की तहसील जो है वहाँ के 4 लोग भी वहाँ गिरफ्तार हुए हैं, तो इस इंसिडेंट जो वायलेंस हुआ इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि साहब देखिए, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जहाँ तक इसमें मुझे लगता है कि इंसिडेंट के कारण हम देखे जाएगा, हम सब ने सोशल मीडिया के तहत सब तरीके के पक्ष सुने हैं, विपक्ष सुने हैं, तो कुछ लोग देखिए धार्मिक यात्राएं हमारे यहाँ निकलती हैं, हमारे यहाँ अभी पिछले 2-3 महीने पहले तो जुलाई के अंदर तो बड़ी सारी हम खुद फूल बरसाते हैं उन यात्राओं पे, क्योंकि उन यात्रा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होता है। लेकिन जब धार्मिक यात्रा की आड़ के अंदर बहुत से लोग उसमें मिलकर कुछ ऐसा अलग उद्देश्य पाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए उसके नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उस धार्मिक यात्रा को एक अलग रूप दिया गया, चैलेंजेस दिए गए, हथियार लहराए गए, एक गलत वे में ले जाया गया, तो जो धार्मिक भावनाएं जिन लोगों की थी उनकी भावनाओं को इस्तेमाल करके कुछ लोग जो है चाहते थे कि यहाँ इस तरह का कोई माहौल हो और वो उसमें कामयाब हुए, आमना सामना हुआ, लोगों को उकसाया गया, प्रोवोक किया गया और दोनों तरफ के ही लोगों की, सोशल मीडिया का ज़माना है, आधा अधूरा ज्ञान लोगों तक पहुँचता है और उस पर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, तो वो उसके कारण रहे और वहाँ का प्रशासन पूरी तरह वहाँ विफल रहा। जब मुझे जानकारी मिली वहाँ का तो HP साहब भी छुट्टी पर चले गए उस दिन। तो जब इस तरह की आपको 2 दिन पहले ही वीडियोस आ रहे हैं या प्रोवोकिंग वीडियोस 2 दिन पहले से चालू हो गए थे जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, तो आपका वहाँ का SP साहब कैसे छुट्टी पर जा सकते हैं जो खुद जिला हेडक्वार्टर का मामला हो? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही और उपद्रवियों को ये मौका मिला कि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकें और उसका परिणाम है कि वो वहाँ पर जो है कि ये हिंसा हुई और पूरे 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 देश के अंदर जो है कि हमारी नूह मेवात की बदनामी हुई, मैं तो ये कहता हूँ, जबकि वहाँ मेवात के अंदर हजारों साल का इतिहास है, वहाँ नूह के अंदर 20-25 हज़ार की पॉपुलेशन है, जो बाकी समुदाय के लोग भी कस्बे के अंदर तो वही बराबर से हैं, कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, किसी कोई परेशानी हुई और आज भी कोई परेशानी नहीं है अड़ोस पड़ोस में, तो बाहर के लोग आए और उन्होंने इस तरह की घटना को किसी उद्देश्य से, पता नहीं, मैं तो राजनीतिक उद्देश्य कहता हूँ कई बार लोगों का, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में नुकसान किसको होता है? भाई से भाई का नुकसान होता है, करने वाले चले गए चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके नाम पर ये कलंक हो गया, उन आज वहाँ छोटे छोटे आसपास गरीब जो बस्तियाँ रहती थी अब पुलिस उन पर बुलडोज चला के उन्हें तोड़ रही है, उन्हें तोड़ने से क्या फ़ायदा, वो तो गरीब झुग्गी वाले लोग हैं बेचारे। का तो ये कह रहे हैं वो रोहिंगा हैं जो आकर के बस गए थे। अब अगर वो रोहिंगा हैं तो क्या, अगर देश में रहने का अधिकार नहीं तो उनको गिरफ्तार करिए, आप वो जेल में डालिए, वो अगर वो इंसान है कहीं झुग्गी बना के, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सब तरह के लोग रहते हैं, तो अगर वो अपराधी हैं तो उनके खिलाफ कानून ले भाई, वहाँ तो 2 बार से BJP की सरकार है, केंद्र में BJP सरकार है, उन्हें किसने रोका है? तो एक्शन ना लेके ब्लेम गेम करना ये कहाँ किसे कहाँ की जवाबदेही है? तो ये अपनी मतलब उसकी आड़ में वो भी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जुनेद नासिर जो हत्याकांड हुआ उसमें 30 लोगों को दोषी माना, मतलब 9 लोगों को दोषी माना और जो बाकी लोग थे वो सस्पेक्ट थे जिनके खिलाफ अंडर इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल हैं। 3 गिरफ्तार हो गए, 27 रह गए जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई जिनमें मोनू मानेसर भी नाम शामिल है। पुलिस ने नोटिस जारी किया पूछताछ के लिए, वो अभी तक फरार हैं, पुलिस के हाथ नहीं आते। वो कहते हैं राजस्थान पुलिस हम रेड डाल रहे हैं हरियाणा में, लेकिन मोनू मानेसर इंटरव्यू देता है TV पे, सबसे व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कर रहा है, राजस्थान पुलिस को वो मिलता नहीं, ये क्या लफड़ा है? देखिए मुझे राजस्थान पुलिस की काबिलियत तो बिल्कुल भी शक नहीं है, राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया शुरू से ही उस केस के अंदर जो है बहुत जल्दी गिरफ्तारी। खट्टर एक चीज़ मेंशन करूंगा, खट्टर भी ये कह चुके हैं कि राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करे, वो अपनी नाकामी बता रहे हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस से कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता। हमारे यहाँ के अधिकारी हमारे DSP थे जो बोले रोहित जी, हाँ एडिशनल SP हिम्मत सिंह 1 महीना पड़े रहे हरियाणा के अंदर, लेकिन उनकी पुलिस से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता। ये तो कहने के लिए दिखावे के लिए वो बात कर रहे हैं, असल में वो लोग सरकार के प्रायोजित लोग ही हैं, उन्हें इतना जो 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 ये मिला हुआ है ना लाइसेंस कि आप लोग हथियार लहराओ और इलाकों में जाओ उत्पाद फैलाओ, वो सरकार के द्वारा उन्हें मौन स्वीकृति मिली हुई है और निश्चित तौर पर हमारी पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी आप भी सही कहते हैं अब तक हम नहीं पकड़ पाए, ये अब तक हमारी नाकामी रही है। तो मैं बिल्कुल पुलिस के अधिकारियों से भी मैं और निवेदन करूंगा कि आप अपनी काबिलियत का परिचय देके चाहे कोई भी हो, शाम दाम दंड भेद, हाँ चाहे जिंदा या मुर्दा, ऐसे लोगों को पकड़ के लाना चाहिए जो लोग समाज के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। बिल्कुल थे, ये हैं नगर विधानसभा से विधायक वाजिब अली, जिन्होंने से वार्ता हुई और मुझे लगता है राजस्थान तक पहली बार शायद हमारी वार्ता हुई।
जी बहुत दिन हमारी बात मिलना नहीं होता जी जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे क्षेत्र में अब ज़्यादा आएँ और यहाँ का जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी जनता को दिखाएँ, कमियाँ भी दिखाएँ, क्योंकि कमियाँ हैं निश्चित तौर पे, हम लोग अमेरिका में नहीं रह रहे, कमियाँ भी हैं, ताकि जनता को भी पता चले और हमारी क्या प्रयास उन लोगों के लिए रहे वो भी पता चले। तो आप आके हमारे हमारे क्षेत्र की खबरें भी राजस्थान तक पहुँचाएँ, बहुत कम खबरें हमारी आप आती हैं। तो बिल्कुल वाजिब अली का कहना है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो विरोधी पार्टियाँ हैं बीजेपी हैं, जो मुद्दे रटे रटाए ये निभाएंगे, जो उठाएंगे इशू, चाहे गौ तस्करी का है, टटलूबाजी का, या हिंदू मुस्लिम वाद ये फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं, षड्यंत्र में शामिल नहीं, सफल नहीं हो पाएंगे। जनता फैसला करेगी कि वाजिब अली ने कितना विकास कार्य किया और विपक्ष कितने तरह के आरोप लगाता है।